वेलकम टू स्टडी स्मार्ट एकेडमी। आज 21 दिसंबर 2018 और 21 दिसंबर 2018 के करंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे आज हम डिस्कस करेंगे और लास्ट में मैं आपसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी पूछूंगा जिसका आप आंसर कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा। ओके स्टार्ट करते हैं। 6 वर्ष से पाकिस्तान की जेल में कैद भारतीय नागरिक का क्या नाम है जिनकी हाल ही में वतन वापसी हुई है? तो उसका राइट आंसर है हामिद अंसारी। पाकिस्तान की जेल में कैद भारतीय नागरिक हामिद अंसारी 18 दिसंबर को अपने देश लौट आए हैं। जासूसी और बिना दस्तावेजों के पाकिस्तान में यात्रा करने के आरोप में अंसारी को सजा सुनाई गई थी जिसके बाद अब 6 साल के बाद उनकी वतन वापसी हुई है। अब पाकिस्तान की बात आई है तो पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान की कैपिटल क्या है? इस्लामाबाद। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान। और पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की कंपनी कैलेस निकोव ने 100 किलोमीटर दूर से जहाज का पता लगाने वाले ड्रोन प्रेस किए हैं? इसका राइट आंसर है रूस। AK-47 गन निर्माता रूस की कंपनी कैलेस निकोव ने आर्कटिक क्षेत्र में देश की संपत्ति की निगरानी के लिए 2 स्मार्ट ड्रोन पेश किए हैं। ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम से लेंस ये ड्रोन 100 किलोमीटर दूर से जहाजों का पता लगा सकते हैं। अब बात आती है रूस की, तो रूस की कैपिटल क्या है? तो रूस की कैपिटल है मॉस्को। रूस के राष्ट्रपति कौन है? रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। और रूस के प्रधानमंत्री कौन है? तो दिमित्री मेदवेदेन है रूस के प्रधानमंत्री। और रूस की मुद्रा क्या है? तो रूस की मुद्रा है रूबल। फ्रेंड्स, अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, तो आपको डेली नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। अब इस वीडियो को डेली, करंट अफेयर की वीडियो को डेली आप देखने की हैबिट बना लीजिए और मॉर्निंग में रोज इस वीडियो को देखिए तो आपकी लाइफ ऑटोमेटिक सेट हो जाएगी और आपसे करंट अफेयर के एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे। और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो लाइक भी कीजिएगा। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश के इंजीनियरों ने वन्य प्राणियों को नया जीवन देने के उद्देश्य से 5 कृत्रिम द्वीप समूह बनाए हैं? तो इसका राइट आंसर है नीदरलैंड। नीदरलैंड के इंजीनियरों ने वन्य प्राणियों को नया जीवन देने के उद्देश्य से 5 कृत्रिम द्वीप समूह बनाए हैं जिसे वन्य जीवन की बेहतरी के लिए यूरोप के सबसे बड़े ऑपरेशन में बताया जा रहा है। अब बात आती है नीदरलैंड। तो नीदरलैंड यूरोप महाद्वीप का एक प्रमुख देश है जिसकी कैपिटल है एम्स्टर्डम। अब जिस नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लैंड द्वारा 1948 से 73 के बीच इंग्लैंड पहुंचे 124 भारतीयों को देश की नागरिकता दे दी गई है, वे किस विवाद के शिकार माने जाते हैं? तो इसका राइट आंसर है विंडरस विवाद। यूनाइटेड किंगडम यूके की गृह मंत्री साजिद जावेद ने कहा है कि 1948 से 73 के बीच यूके पहुंचे 124 भारतीयों को देश की नागरिकता दे दी गई है। विंडरस पीढ़ी विवाद के कारण यूके में रह रहे इन भारतीयों की निवास स्थिति स्पष्ट नहीं थी। नेक्स्ट, छात्रों की सहायता के लिए किस राज्य सरकार द्वारा शिक्षा सेतु ऐप लॉन्च की गई है? तो इसका राइट आंसर है हरियाणा सरकार। हरियाणा सरकार ने हाल ही में शिक्षा सेतु मोबाइल ऐप लॉन्च की है। यह ऐप छात्रों की सहायता के लिए लॉन्च की गई है। इस ऐप की सहायता से राज्य के शिक्षा विभाग तथा कॉलेज प्रशासन में पारदर्शिता आएगी। अब बात आती है हरियाणा की, तो यह है हरियाणा जिसकी कैपिटल है चंडीगढ़, जिसके मुख्यमंत्री कौन है? तो मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा के राज्यपाल कौन है? तो हरियाणा के राज्यपाल है सत्यदेव नारायण आर्य। यहाँ विधानसभा की सीटें 90 हैं, लोकसभा की सीटें 10 हैं और राज्यसभा की सीटें 5 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान की किस महिला मानवाधिकार कार्यकर्ता को मरणोपरांत संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार पुरस्कार 2018 प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर है असमा जहांगीर।
पाकिस्तान की दिवंगत मानवाधिकार कार्यकर्ता और पेशे से वकील असमा जहां गिल सहित चार लोगों को वर्ष 2018 का संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार पुरस्कार दिया गया है। अब बात आती है पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं इमरान खान और पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक चेंजिंग इंडिया के लेखक कौन है जिन्होंने पुस्तक में अपने कार्यकाल की उपलब्धियों के बारे में लिखा है? तो इसका राइट आंसर है मनमोहन सिंह। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा लिखित पुस्तक चेंजिंग इंडिया का 18 दिसंबर 2018 को दिल्ली में विमोचन किया गया है। यह पुस्तक भारत के आर्थिक और राजनीतिक पहलुओं पर प्रकाश डालती है। चेंजिंग इंडिया के लेखक है मनमोहन सिंह। नेक्स्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम की वर्ष 2018 की जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को 108वां। वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम की वर्ष 2018 की लैंगिक असमानता रिपोर्ट में भारत को 108वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम की वर्ष 2018 की जेंडर गैप रिपोर्ट में पाकिस्तान को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पाकिस्तान को 148वां स्थान प्राप्त हुआ है। कुल 149 देशों पर किए गए सर्वेक्षण में पाकिस्तान का रैंक 148 है, जबकि सबसे नीचे 149वें स्थान पर गृह युद्ध में फंसे देश यमन को रखा गया है। नेक्स्ट, वर्ष 2014 में बंग विभूषण सम्मान से पुरस्कृत शास्त्रीय नायक का क्या नाम है? तो इसका आंसर है पंडित अरुण भादुगिरी भादुड़ी। भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित अरुण भादुड़ी का 18 दिसंबर 2018 को निधन हो गया। वे 75 वर्ष के थे। उन्हें 2014 में बंग विभूषण सम्मान से पुरस्कृत किया गया था। नेक्स्ट, थैंक यू। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट करके जरूर बताइए। और कल का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने मिस वर्ल्ड 2018 का खिताब अपने नाम किया था? तो इसका राइट आंसर होगा वेनेसा पोंस डी लियोन। ने मिस वर्ल्ड 2018 का खिताब अपने नाम किया था। नेक्स्ट, अब ये आज का क्वेश्चन है, प्रति वर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स पे जरूर दीजिएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।